तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी गुंडागर्दी, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। मैं दिनेश कल्याण, मैं ये कहना चाहूंगा जो आज मोदी सरकार ने कोर्ट के थ्रू जो SC ST खत्म करने की कोशिश की गई है उसको हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे आज दलित समाज बहुत त्राही त्राही कर रहा है। आप देख भी रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा भारत बंद है। अगर हमारी इसको SC ST को खत्म नहीं करा गया तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले समय में मोदी सरकार को ये दिखा देंगे जो दलितों की बात करेगा वो दलितों पर राज करेगा, जो दलितों की बात करेगा वो दलितों पर राज करेगा। दलित जो है वो अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। अब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम, इस मोदी सरकार, जो बच्चे बेरोजगार उस पर कोई ध्यान नहीं है, महंगाई, जो सिलेंडर कांग्रेस 400 का था 800 रुपए का हो चुका है, पूरे देश में सिर्फ जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, 7 राज्यों में हिंदू मुस्लिम जल उठा है और उसके साथ में दलितों में जो अत्याचार है, जो दलितों का एक 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 दलित संगठन का जो वो कानून खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आगाह करना चाहूंगा मोदी सरकार को कि अगर उन्होंने दलितों पर हाथ और दलितों के इस दुखी फरमान को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन सारे देश में होगा और इस देश के जो बेरोजगार, जो पेपर लीक हो रहे हैं, कभी डेटा लीक हो रहा है, कभी आधार कार्ड लीक हो रहा है, कोई ध्यान नहीं है। ये कहता मैं देश बदल दूंगा, ऐसा देश बदल रही है मोदी सरकार कि सारा देश लीक हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा इस नरेंद्र मोदी भ्रष्ट सरकार से, जो इतना सुंदर हमारे भारत के अंदर संविधान बना गया है और हम जो 85% जो लोग हैं हमारे ऊपर, जो गैर समाज के लोग थे, जो हम लोग को SC ACT के ऊपर जो इन्होंने कानून बनाया था 189 के अंदर, वो इन्होंने वो धारा उन्होंने हटा दी है। हम 85% इसको मनवा कर रहेंगे मोदी से।